हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और सिंपल सरल किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही क्यूट सा मिकी माउस केक। तो इस वीडियो को आप पूरा फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये एक स्पॉन्ज केक तैयार करके रख लिया है, वनीला फ्लेवर का मैंने बनाया है और ये केक 1 kg का होने वाला है। तो ये जो स्पॉन्ज है वो लगभग 1/2 kg के करीब है। तो सबसे पहले जो इसका टॉप का पोर्शन है वो मैं अलग कर देती हूँ और ये देखिए केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी तैयार हुआ है और ये मैंने प्रीमिक्स से तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले इसको मैं लेयर्स में काट ले रही हूँ। आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसे 2 या 3 लेयर्स में काट सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे 3 लेयर्स में काट रही हूँ। तो ये देखिए पहली लेयर हमारी निकल गई और ये दूसरी और तीसरी लेयर भी हमारी निकल गई है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए शुगर सिरप भी तैयार कर लिया है। 1/2 कप पानी में 2 चम्मच चीनी डाला है और थोड़ा सा आपको इसका वाइटिश कलर दिख रहा होगा, तो इस कटोरी में मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपके केक में। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये व्हिपिंग क्रीम भी तैयार कर ली है। इसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और बिल्कुल स्टिफ पीक्स वाली ये है। तो यहाँ पर बोर्ड पर मैं थोड़ी सी क्रीम लगा दे रही हूँ, इससे हमारा केक अपनी जगह पे रहता है, फिसलता नहीं है, चिपका रहता है। और अभी ये मैं एक केक की लेयर इस पर रख दे रही हूँ, तो मिडल वाली जो लेयर है वो मैं इस पर रख रही हूँ और यही सही तरीका है। और अब हम इस पर बनाया हुआ ये शुगर सिरप भी अप्लाई कर देते हैं, इससे हमारा केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट रहता है, ड्राई नहीं लगता है खाने में। तो थोड़ा सा इसे हम इस तरीके से डाल करके मॉइस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ये क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटी लेयर लगाना चाहते हैं या बहुत ही ज़्यादा पतली, डिपेंड करता है कि कितनी क्रीम लोग खाना पसंद करते हैं। इसके बाद मैं इसे अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से स्प्रेड कर दे रही हूँ। आप यहाँ पर नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा क्रीम हटा देंगे। फिर मैं यहाँ पर डालूँगी ये पाइनएप्पल क्रश। तो ये आपको बहुत ही ईजिली बेकरी वाली शॉप पर मिल जाएगा या फिर आजकल तो बहुत ही ईजिली हर शॉप पर मिल जाता है, जहाँ पर जूस वगैरह मिलता है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और इसे डालने के बाद अच्छे से हमें स्प्रेड कर देना है। तो ये केक बनने वाला है पाइनएप्पल फ्लेवर में, आप कोई दूसरा भी क्रश यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और अब जो ऊपर वाली लेयर है वो हल्की सी ड्राई हो गई है, तो शुगर सिरप मैं इस तरीके से ब्रश कर दे रही हूँ इसके ऊपर, ताकि ये जो लेयर है वो ड्राई ना रहे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से आप लगा देते हैं ना तो सॉफ्ट हो जाती है। और इसके बाद इसी लेयर को हमें पलट करके रखना है और शुगर सिरप इसके ऊपर भी हम अप्लाई कर देते हैं ताकि ये ड्राई ना लगे। इसके ऊपर फिर से हम क्रीम की एक लेयर लगाएंगे और इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, एक्स्ट्रा क्रीम जो भी लगे वो आपको निकाल देना है। और फिर से इसके ऊपर हम क्रश डालेंगे। अगर आप इसको 2 फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो आप ऊपर की लेयर में कोई दूसरा फ्लेवर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर ये तीसरी वाली लेयर भी रख देते हैं। तो पलट करके रखना है, बॉटम वाली लेयर को आपको इस तरीके से रखने से क्रम्स बहुत ही ज़्यादा कम निकलते हैं केक से और आपको काम करना इजी हो जाता है। शुगर सिरप लगा दिया है मैंने इसके ऊपर और अब थोड़ी सी मोटी लेयर मैं यहाँ पर क्रीम की लगा रही हूँ, हल्की सी मोटी लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर केक को हमें इसी के ऊपर डेकोरेट करना है। और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से फिनिश कर दे रही हूँ, हल्का सा फिनिश कर देना है, इवन कर देना है इस वाली टॉप की लेयर को। और साइड में भी थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगा करके इसे मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ। बहुत ही अच्छे से आपको स्प्रेड कर देना है और मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि केक को हमें अभी वापस से डेकोरेट करना है, तो फिनिशिंग की इसमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो क्रीम को मैंने बहुत ही अच्छे से लगा दिया है और स्प्रेड कर दिया है और उसके बाद स्क्रेपर की हेल्प से मैं इसे थोड़ा सा इवन कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से आपको इवन कर देना है। और अभी जो टॉप पर दिख रहे हैं ना, थोड़ा सा अनइवन सा दिख रहा है, एक्स्ट्रा क्रीम हटा देंगे और इसे भी ऊपर से थोड़ा इवन कर देंगे। तो इस तरीके से आपको हटा देना है स्पैचुला या फिर चाकू की हेल्प से, एक्स्ट्रा क्रीम हटा देंगे
तो अब मैंने पेपर पे एक मिक्की माउस का फेस कट कर लिया है, किसी भी आप स्टिकर वगैरह से या फ़ोन से आप देख लीजिए और उसका कटआउट इस तरीके से निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे पेपर पे निकाला है, आप बटर पेपर पे भी निकाल सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है कोई भी प्रिंट का केक बनाने के लिए। और टूथपिक की हेल्प से पहले हम इसकी आउटलाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है, बहुत ही इजी हो जाता है इस तरीके से किसी भी तरीके का केक बनाने के लिए। और इसके बाद ये देखिए, ये हम निकाल लेते हैं, निकाल लिया है। और इसके बाद देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है इसकी आईज, नाक और मुंह जो है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसका जो प्रिंट आउट था, मतलब इसका फ़ोटो जो है वो मैंने अपने फ़ोन में ही सेव करके रखा था। इसके बाद देखिए, मैंने ये चॉकलेट गनाश तैयार किया हुआ है। बहुत ज़्यादा आपको मोटा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। और इस तरीके से देखिए, मैंने छोटे से इसको पाइपिंग बैग में डाल लिया है। बिल्कुल मेहंदी जैसा कोन जो है आपको कट करना है और उसी से इसकी आउटलाइन आपको ड्रॉ करनी है। बहुत ज़्यादा अगर आप लिक्विड ही कर देते हैं तो आउटलाइन अच्छे से नहीं होगी, बहने लगेगी, और बहुत ज़्यादा थिक कर देते हैं तो ये पाइपिंग बैग में से निकल ही नहीं पाएगी। इसलिए ध्यान से आपको इसकी कंसिस्टेंसी का अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो भी चीज़ें मैंने देखिए पहले से ड्रॉ की हुई है, उसी के ऊपर मैं इसे आउटलाइन कर दे रही हूँ ताकि बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें उभर करके आए। तो देखिए, स्माइली सा फेस भी इसका ड्रॉ हो गया है। और ये देखिए, इसके बाद जो नाक है वो इसकी ब्लैक कलर की ही है, तो मैं इसी से ये कर दे रही हूँ। तो आपको चॉकलेट से ही भर देना है, ब्लैक कलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, छोटे बच्चे के लिए बनाना है। तो देखिए, हेड पोर्शन मैंने इसे बना लिया है और अब मैं इसका फेस का पोर्शन बना रही हूँ। बहुत ही छोटा सा मैंने एक और कट किया है, बस ड्रॉपलेट्स बना रही हूँ। और मैंने हल्का सा ब्राउन शेड डाला है, बहुत ही हल्का सा क्रीम में। आप चाहे तो ऑरेंज कलर भी बहुत ही ज़रा सा डाल सकते हैं तो ये स्किन कलर इसमें आ जाएगा। और इसी से देखिए, मैंने ये सारे डॉट्स बना लिए हैं, फेस बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके उसमें रेड फूड कलर ऐड कर दिया है और इसका ये मुंह बन गया है। और इसके बाद आईज़ को जो है मैं बिल्कुल प्लेन ही रख रही हूँ वाइट क्रीम से। ये देखिए, इसकी आईज़ भी तैयार हो गई है, कितना क्यूट सा फेस भी तैयार हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर ये स्टार नोज़ल ले रही हूँ, जो मोदक वाला होता है ना, वो वाला मैं ले रही हूँ। और मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में बना लिया है, तो बॉयज़ के लिए बना रही हूँ, मतलब एक छोटा बच्चा है उसके लिए मैं बना रही हूँ, बेबी बॉय के लिए। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ किया है। अगर आप गर्ल के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पर पिंक कलर का भी बना सकते हो, या फिर जो भी आपको कलर पसंद हो उससे आप ये बना सकते हैं स्टार्स। और नीचे साइड में मैं थोड़ा सा पिंक कलर का स्टार बना रही हूँ। बहुत ही ईजी है इसको बनाना, बस हल्का सा आपको पुश करके बाहर की तरफ खींच लेना है, बहुत ही ईजिली ये बन जाता है। तो ये देखिए, रेडी हो गया है। और अब मैं इस पर ये डाल दे रही हूँ सिल्वर वाले बॉल्स, जो इस पे चार चांद लगा देंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है हमारा केक। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और फटाफट से ये बन भी गया। तो इस रेसिपी को आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये मिक्की माउस केक की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूँगी मेरी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।